तो नमस्कार दोस्तों और मेरे छोटे भाइयों और बहनों, ठीक है। तो आप लोगों का सेमेस्टर थ्री, जितने भी लोग कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा में पढ़ाई करते हैं, सबका सेमेस्टर थ्री का जो है फॉर्म फिलअप होने का टाइम आ गया, ठीक है। सेशन 22-26 के लिए आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, चाहे वोकेशनल, आप जो भी कोर्स कर रहे हो, ठीक है, आपका फॉर्म फिलअप का डेट आ चुका है। देखिए यहाँ पे बोला गया है, एतद् द्वारा सभी जितने भी छात्र हैं, छात्राएं हैं, ठीक है, या शिक्षक और शिक्षक जितने भी कर्मी लोग हैं, सभी को प्राचार्य को सूचित किया जाता है कि स्नातक 4 वर्षीय जो सेमेस्टर 3 है, इसका फॉर्म फिलअप यानी कि परीक्षा के लिए फॉर्म भरना शुरू हो गया है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जानते हैं ना, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सेमेस्टर 3, ठीक है। और ये जो ऑनलाइन है आपका 3 तारीख से शुरू होगा। कब से? तो 3 अक्टूबर से आपको ऑनलाइन शुरू होगा। कब तक चलेगा? तो 1 नवंबर तक आप लोग ऑनलाइन कर पाइएगा, ठीक है। अगर इस डेट तक आप लोग कर लेते हैं ऑनलाइन, तो 1 भी रुपया फॉर्म का एक्स्ट्रा फाइन नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग 2 तारीख यानी कि 2 नवंबर से 16 नवंबर के बीच में फॉर्म भरिएगा, तो आपको 200 रुपया फाइन देना पड़ेगा, ठीक है। कितना? 200 रुपया लेट फाइन देना पड़ेगा। और 16 तारीख के बाद से फिर फॉर्म भी नहीं भराएगा 16 नवंबर, यानी कि आपका एग्जाम जो है दिसंबर में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो पहला है विषय। मेजर सब्जेक्ट में आपको 2 को रखना ही पड़ेगा, मतलब ये तो आपका रहेगा ही, कंपलसरी है। मेजर मतलब ऑनर्स पेपर, मेजर पेपर 4, मेजर पेपर 5। इसमें आपको फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के अनुसार ही होगा, एक्सेप्ट कॉमर्स, कॉमर्स को छोड़ के, ठीक है, कॉमर्स को छोड़ के, क्योंकि कॉमर्स को अपवाद में रखा गया है एब्सेक्शन में, ठीक है। सेमेस्टर 3 में भी मेजर पेपर 4 होगा एंड 5 होगा, 2 को पेपर हो गया यहाँ पे। फिर आपका एक माइनर होगा, माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन। तो इसमें बोला गया है कि MN1 भी फर्स्ट सेमेस्टर के अनुसार ही चाहिए, ठीक है। तो जैसा आप लोग सेमेस्टर 1 में रखे थे, MN1 भी सेमेस्टर 1 का मार्कशीट देख लीजिएगा, वैसा ही आपको रखना है कॉमर्स को छोड़ के, ठीक है। नेक्स्ट है आपका MDC का पेपर, MDC जिसको मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स कहा जाता है। इसमें बोला गया है कि 10+2 के मार्कशीट में नहीं होना चाहिए, फर्स्ट एवं सेकेंड सेमेस्टर के रिपीटेड नहीं होना चाहिए। मतलब आपको बिल्कुल नया सब्जेक्ट रखना है, जो सेमेस्टर 1 में MDC का सब्जेक्ट रखे हैं उसको नहीं रखिएगा। सेमेस्टर 2 में अगर आप MDC का सब्जेक्ट जो रखे हैं उसको भी नहीं रखिएगा, और ना ही आपका 12th का मार्कशीट में वो सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। मतलब बिल्कुल नया सब्जेक्ट जो आपने कभी नहीं पढ़ा हो वैसा सब्जेक्ट आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। MDC 3, और कॉमर्स के विद्यार्थी कॉमर्स के विषय को ही MDC 3 में नहीं लेंगे, मतलब नया लेना है कुछ दूसरा। मल्टी, मल्टी मतलब ये होता है दोस्तों जो एक से ज्यादा, ठीक है। मल्टीटास्किंग ऐसा होता है कि एक से ज्यादा काम, तो उसी तरह से आपको जो सब्जेक्ट आप नहीं पढ़े जीवन में कभी भी, वैसा सब्जेक्ट आपको चुनना है वहाँ पे। लेकिन आप ऐसा मत चुन लीजिएगा कि जो कभी नहीं पढ़े और कभी पढ़ भी नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो आपके लिस्ट में ना हो वैसा सब्जेक्ट को चुन लीजिएगा जो सेमेस्टर 1 में नहीं रखे हो, सेमेस्टर 2 में भी नहीं रखे हो, और 12th में भी नहीं हो, ठीक है, वैसा सब्जेक्ट को आप चुन सकते हैं। फिर SEC के पेपर में सबका सेम रहेगा, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस, ये सबका सेम रहेगा, चाहे आप आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, चाहे आप किसी भी से हो, ठीक है, सबका सेम रहेगा। फिर आपका है AEC पेपर, तो AEC एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स AEC 3, इसमें आप किसी एक भाषा को चुनना है। बोला गया है कि हिंदी इंग्लिश को छोड़कर बाकी विषयों को प्राथमिकता दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए हिंदी इंग्लिश को छोड़ दीजिए, हिंदी इंग्लिश को छोड़कर बाकी विषयों को प्राथमिकता दिया जाएगा, इनमें से कोई एक विषय को चुने। वैसे आप हिंदी इंग्लिश को भी चुन सकते हैं, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश को भी चुन सकते हैं, लेकिन बाकी विषय को प्राथमिकता दिया जाएगा, जैसे बंगाली है, उड़िया है, उर्दू है, संस्कृत है, हो, संथाली, मुंडारी, कुरमाली, कुड़ू, तो ये सब्जेक्ट आपको अपने अकॉर्डिंग चुनना है। लेकिन मैं कहूँगा आपको जो आसान लगता है, हिंदी आसान है तो हिंदी ही चुनिए, इंग्लिश आसान है तो इंग्लिश ही चुनिए, ठीक है। और मैं आपको, अगर रीजनल लैंग्वेज आता है तो आपको अपना रीजनल लैंग्वेज ही चुनना चाहिए यार। फिर MJ पेपर 4 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये कॉमर्स के लिए चुनना है, ठीक है, ये केवल कॉमर्स के लिए। MJ पेपर 5 इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, केवल कॉमर्स के लिए। और MN1 भी में आप लोग डिजिटल मार्केटिंग चुनिएगा, कॉमर्स वाले, ठीक है। और निर्देश में बोला गया है कि सभी छात्र छात्राएं उपरोक्त विषय के अनुसार ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरेंगे, ठीक है, गलत विषय भरने के बाद सुधार है तो विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा, यह भी बोला गया है। अब देख लीजिए, तो वेबसाइट के माध्यम से आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा,
डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो है फॉर्म फीस आपको जमा होगा ऑनलाइन, और ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म का प्रिंट आउट विद्यार्थी स्वयं अपने पास सुरक्षित रखेंगे। फीस क्या है देख लीजिए, तो आर्ट्स एंड कॉमर्स, ठीक है, आर्ट्स और कॉमर्स जिनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है उनके लिए, ठीक है, तो एग्जाम फी 100 रुपया है, और लोकल लिव जो है आपका 260 रुपया है, और मार्क्स फी आपके 50 रुपये हैं, कुल मिला के 410 रुपये लगेगा कॉमर्स और आर्ट्स वालों का, ठीक है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का बोला गया है आर्ट्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो एक अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे अगर कोई साइकोलॉजी कर रहा है, कोई ज्योग्राफी कर रहा है, तो उनको 480 रुपये लगेगा आर्ट्स वालों का, ठीक है, अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो। साइंस वालों का एग्जाम फी 130 रुपया है इसमें, और फिर लोकल फी मतलब कुल मिला के साइंस को 500 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। और फिर आपका वोकेशनल जो है जिसमें आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, BAC वोकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, IT, मास कम्युनिकेशन, एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल वाटर मैनेजमेंट, ये जो है आपकी इसका लगेगा 750 रुपया, ठीक है। तो इतना ही एग्जाम फी है, ज़्यादा फी नहीं है। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी परिस्थिति या किसी भी दबाव में परीक्षा फॉर्म भरने की स्थिति तिथि को नहीं बढ़ाया जाएगा, ठीक है। निर्धारित तिथि के बाद प्राचार्य किसी भी परीक्षा का फॉर्म आवेदन करने से संबंधित ऑनलाइन अग्रसारित नहीं करेंगे। देखिए एक चीज मैं बता देता हूँ, आपको फॉर्म कब भरना है, देखिए आपका डेट शुरू हो रहा है 3 तारीख को, ठीक है, आप लोग फॉर्म भरिएगा, 2 दिन जाने दीजिए, 3, 4, 5 तक नहीं भरिएगा, 6 से 15 तारीख के बीच में फॉर्म भर लेना है, ठीक है, 6 से 15 के बीच में फॉर्म भर लेना है। तो समझ गए ना कैसे कैसे चुनना है, ये आपका 2 सब्जेक्ट सब सेम ही रहेगा, मेजर 4 मेजर 5 अपने ऑप्शन में आएगा, MN 1B में आपको semester 1 में जो है वो semester 3 में चुनना है, ठीक है, semester 1 देख लीजिएगा, अगर किसी का semester 1 में जो सब्जेक्ट है वही semester 3 में चुनना है, मार्कशीट निकाल के जब फॉर्म भरेगा तो मार्कशीट निकाल लीजिएगा, सॉरी एडमिट कार्ड निकाल लीजिएगा semester 1 का। MDC 3 में semester 1 में भी वो सब्जेक्ट नहीं चुने हो और 3 में भी 2 में भी नहीं चुने हो, वैसा सब्जेक्ट चुनना है, नया सब्जेक्ट, ठीक है, जो आपने कभी नहीं पढ़ा है, ये सबका सेम रहेगा, और इसमें से किसी एक भाषा को चुनना है आपको, ठीक है। बस कितना सब्जेक्ट हो जाता है, 1, 2, 3, 4 और 2, 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, इसमें सबसे ज्यादा टॉप सब्जेक्ट कौन सा है, तो ये वाला है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस, किन के लिए, जो 12th में मैथ नहीं पढ़े हैं, ठीक है, उनके लिए सबसे टॉप सब्जेक्ट होगा, डेफिनेटली बता रहा हूँ ये आपको, ये जो है ना मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग फेल करवा देगा, इतना डेंजर सब्जेक्ट है, इसलिए पहले से ही इसको पढ़िएगा। चलिए इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, थैंक यू, और PDF कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा ये वाला, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, बाय।